विस्तारवादी चीन पायरेसी में पक्का और बयान बहादुर है। एयर शो में चीन के पांचवी पीढ़ी वाले फाइटर जेट का धुआं निकल रहा है, पर इसी शो में चीन ने अपनी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट की पहली झलक भी दुनिया को दिखा दी है। चीन के सिक्स्थ जेनरेशन एयरक्राफ्ट के डिजाइन देखते ही डिफेंस एक्सपर्ट ये भी समझ गए कि चीन ने फिर दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियों को चूना लगा दिया। देखिए चीन किस फाइटर प्लेन की नकल करके अपना सिक्स जेनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है और इससे पहले बना चीन का कौन सा हथियार दुनिया के किस हथियार की नकल का नतीजा है। अभी कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर को अमेरिका ने अपने सिक्स जेनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी। दुनिया के सबसे आधुनिक और सबसे घातक फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तस्वीरें जारी की थी। इन तस्वीरों में अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट की एयर रिफ्यूलिंग हो रही थी। इस तस्वीर से साफ हो गया कि अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर जेट छोटा, हल्का, तेज और टेल लेस होगा। लेकिन अमेरिका के सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की इन तस्वीरों से ड्रैगन तेल मिला गया। अब सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की तस्वीर जारी करने की बारी चीन की थी। चीन ने इसके लिए अपने एयर शो को चुना। चीन ने जुआई एयर शो में अपने सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की पहली तस्वीर दिखाई। चीन ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट के कंसेप्ट और डिजाइन की तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों से साफ हो गया कि अमेरिका के सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह चीन का छठी पीढ़ी का सबसे आधुनिक फाइटर जेट भी छोटा, हल्का, तेज और टेल लेस होगा। जुआई एयर शो में दावा यह किया गया कि 2026 तक चीन अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लेगा। इसकी खूबियां क्या क्या होंगी ये चीन ने नहीं बताया, लेकिन दावा किया कि ये दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट होगा। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन के डिफेंस इनपुट हमेशा दावा करते हैं कि चीन अभी अपने दम पर पांचवी पीढ़ी का भी फाइटर जेट नहीं बना पाया है। चीन ने अपने इसी एयर शो में अपना अब तक का सबसे आधुनिक J-20 चेंगदू जेट भी पेश किया। चीन को अपने इस फाइटर जेट पर बहुत गुरूर है, लेकिन चीन का गुरूर तब टूटा J-20 चेंगदू का धुआं निकल गया। एयर शो में चेंगदू 20 से निकले धुएं ने बड़बोले चीन की दुनिया भर में बेइज्जती करवा दी। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स वैसे ही मानते हैं कि चेंगदू पांचवी पीढ़ी का नहीं बल्कि चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच का फाइटर जेट है, और वो भी चीन ने खुद नहीं बनाया बल्कि इसकी डिजाइन F-22 रैप्टर और अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले F-35 स्ट्राइक फाइटर जेट से चोरी की। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला जो चाइना है वो अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। चाइना की मंशा 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेने की है, और इसी प्रक्रिया में चाइना अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम को तेज गति से परस्यू कर रहा है। चीन के चेंगदू 20 के बारे में कहा जाता है कि 27 मार्च 1999 में युगोस्लाविया में नेटो की कार्रवाई के दौरान अमेरिका का F-22 विमान गिर गया था। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर चुके चीन ने उसका मलबा हासिल किया और उसी महारत को आगे बढ़ाते हुए उसने बना दिया चेंगदू 20। नकली प्रोडक्ट और पायरेसी में माहिर चीन अब तक तो सिर्फ डिजाइन और तकनीक चुराता था, पर अब तो चीन दूसरे देशों का ट्रेनिंग मॉड्यूल भी चुरा रहा है।
जिनपिंग की सबसे नई साजिश और सबसे खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया है। चीन की नई चोरी का खुलासा ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन के रिटायर हो चुके मिलिट्री पायलटों को चीन भारी पैकेज देकर अपने यहां बुला रहा है, उन्हें काम पर रख रहा है। नौकरी पर रखे गए ब्रिटेन के रिटायर्ड पायलट चीन के पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। चीन ब्रिटेन के जिन पायलट्स को हायर कर रहा है वो ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स हैं। उनके पास तेज तर्रार जेट्स, हेलीकॉप्टर उड़ाने का एक्सपीरियंस है। ये वो लोग हैं जो टाइफून, जगुआर, हैरियर और टॉर्नेडो जैसे विमान उड़ा चुके हैं। ये सब वो विमान हैं जिनकी चीन नकल बनाना चाहता है। चीन दक्षिण अफ्रीका की एक विशेष उड़ान अकादमी के जरिए ब्रिटिश पायलटों को नौकरी पर रख रहा है। अब चीन के शोकेस में रखे उन हथियारों के बारे में जान लीजिए जो किसी दूसरे देश के हथियारों का कॉपी पेस्ट है। पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट चेंगदू J-20 अमेरिका के F-22 रैप्टर की कॉपी है। J-31 भी अमेरिका के F-35 की नकल है। J-10 फाइटर अमेरिका के F-16 की कॉपी है। J-11 फाइटर जेट रूस के सुखोई 27 की तकनीक पर बना है और चीन का J-15 फाइटर रूस के सुखोई 33 की कॉपी है। ड्रोन शिप अमेरिका के केसी हंटर की नकल है। चीन ने अपने स्टेल्थ सबमरीन को स्वीडन के A-26 क्लास पनडुब्बी की टेक्नोलॉजी पर बनाया है। चाइना की जो जासूसी की गतिविधियां होती हैं उसके माध्यम से चाइना ने अनेक जो हाईली एडवांस्ड वेपन सिस्टम की रिवर्स इंजीनियरिंग की है, लेकिन जाहिर है कि ये जो चुराई हुई टेक्नोलॉजी के आधार पर विकसित किए गए जो वेपन्स हैं वो युद्ध के मैदान में कंपेटिबल साबित नहीं हो सकते। चीन ने अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो टेललेस तस्वीर जारी की है वो भी अमेरिकी और ब्रिटेन के टेललेस कंसेप्ट की कॉपी पेस्ट है। चीन तेजी से नकल करने में माहिर है, इसलिए चीन इंतजार कर रहा है कि दुनिया का कोई देश छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाए और वो उसे कॉपी कर ले।